सन्स प्राइवेट लिमिटेड किस तरह जदीद मशीनों की मदद से मोस्ट रिलायबल और सेफ वेपन्स तैयार करती हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक को फराहम कर रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड में जदीद काबिले एतमाद और पायदार असलहा बनाने का आगाज होता है इनके R&D डिपार्टमेंट से, जहां क्वालिफाइड डिजाइनर्स और इंजीनियर्स कंप्यूटर की मदद से असलहे की इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी और इसमें मौजूद तमाम कंपोनेंट्स के डिटेल खाके बनाते हैं। हैंड गन्स और शॉट गन्स के अप्रूव डिजाइन के मुताबिक इनके मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स दाऊद सन्स के मिलिंग सेक्शन में तैयार किए जाते हैं। बड़े साइज के पुर्जे दाऊद सन्स के लेटेस्ट CNC मिलिंग सेक्शन में बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए खास किस्म का एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम CNC मशीन में रखा जाता है, जहां मशीन में इंस्टॉल प्रोग्राम की मदद से मखसूस शेप और साइज में काट कर बड़े पुर्जे तैयार किए जाते हैं। पिस्टल और शॉट गन्स में इस्तेमाल होने वाले छोटे पुर्जों की तैयारी EDM वायर सेक्शन में की जाती है। जदीद मशीन में लगी इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से मुख्तलिफ मेटल स्लैब्स में से निहायत निफासत और बारीकी के साथ डिजाइन के मुताबिक छोटे छोटे पुर्जे निकालती है। दाऊद सन्स में पिस्टल्स और शॉट गन्स की बैरल्स बनाने के लिए अलग अलग मशीन शॉप्स मौजूद हैं, जहां पर माहिर कारीगर मशीन की मदद से खास किस्म के मेटल रॉड में सुराख करके बैरल्स तैयार करते हैं। एक माहिर कारीगर तैयार बैरल्स की सफाई करता है, जिसके बाद इन्हें असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है। आखिर में तैयार पुर्जों की सफाई पायदारी और पॉलिश के लिए इन्हें शॉर्ट ब्लास्टिंग और एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। दाऊद सन्स में पिस्टल और शॉट गन्स के अलग अलग असेंबली सेक्शंस मौजूद हैं, जहां पर माहिर कारीगर अपने हाथों से तजर्बे और महारत की बुनियाद पर एक एक फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं और इनका विजुअल क्वालिटी चेक भी किया जाता है। हैंड गन्स और शॉट गन्स को असेंबल और टेस्ट करने के बाद एक एक फाइनल प्रोडक्ट को फायरिंग रेंज में टेस्ट किया जाता है, जहां पर इनकी एक्यूरेसी एफिशिएंसी और सेफ्टी को जांचा जाता है। यूं दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड जदीद मशीनों और माहिर कारीगरों की मदद से मोस्ट रिलायबल और सेफ पिस्टल्स और शॉट गन्स बनाकर न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई करता है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड लुक एट द साइज, कितने बड़े लेवल पे माशाल्लाह ये लोग काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को बड़े वेपन्स बना के दे रहे हैं, जिसमें बॉम्ब शेल्स हैं या मशीन गन्स हैं, इसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है हैंड गन्स और शॉट गन सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे वो सारा का सारा मेकिंग प्रोसेस कि किस तरह ये हैंड गन्स बनाते हैं, शॉट गन्स बनाते हैं, और क्या वजह है कि दाऊद सन्स की हैंड गन्स को शॉट गन्स को सेफ और रिलायबल समझा जाता है। ये सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं, आइए मेरे साथ।
सो दाऊद सन्स में मोस्ट रिलायबल सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और शॉट गन्स बनाने का आगाज होता है इनके R&D डिपार्टमेंट से, और इनका R&D डिपार्टमेंट जो है इट्स द ब्रेन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर क्वालिफाइड डिज़ाइनर्स जो हैं बाकायदा तौर पर कंप्यूटर की मदद से तमाम तर खाके तैयार करते हैं, जो वेपन है, जो पिस्टल है, उसके इंटरनल कौन कौन से कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह इसकी एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर किया जाए, इसकी रिलायबिलिटी को कैसे बेहतर किया जाए, और इसकी एक्सटर्नल बॉडी जो है वो कैसी होगी, उसमें क्या खूबसूरती बेहतरी लाई जा सकती है। साथ ही साथ फाइनल प्रोडक्ट को भी ये साथ रखते हैं ताकि चेक करते रहें कि क्या इन्होंने चीज़ बनानी है। और आप देख सकते हैं कि ऑटो कैड की मदद से कितनी डिटेल से इस पर काम होता है। फिर यहाँ पर जो वर्किंग होती है, साथ ही साथ और जो मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स हैं CNC मशीन्स पे जो मोल्ड्स बनाए जाएंगे, मोल्ड्स लगाए जाएंगे, जिनके बाद बल्क में जो है छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और फिर इस डिज़ाइन को आगे भेजा जाता है मोल्ड सेक्शन में, मोल्ड्स बनाए जाते हैं और उन्हें CNC मशीन्स पर फिट करके बल्क में कॉम्पोनेंट्स बनाए जाते हैं। आगे चल के हम आपको इनका CNC डिपार्टमेंट दिखाते हैं जहाँ ये छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स जो हैं तैयार करते हैं खुद से। मौजूद है दाऊद सन्स के CNC मिलिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट CNC मशीन्स लगी हुई है। R&D डिपार्टमेंट में जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसको भेजा जाता है यहां, और यहां कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल के जरिए जो है इसके अंदर वो डिज़ाइन इंस्टॉल किया जाता है, और इन लेटेस्ट मशीन्स के ऊपर जो है फिर बॉडीज़ जो हैं और मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स पिस्टल और शॉट गन्स के तैयार किए जाते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ ये सैम्पल्स पड़े हुए हैं, ये एयरक्राफ्ट एलुमिनियम है जो ख़ास तौर पे इंपोर्ट करवाया जाता है, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एलुमिनियम। इससे ये बॉडी तैयार करते हैं, और इस मशीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं ये बॉक्स की तरह नज़र आ रही है, लेकिन इस मशीन में प्रोसेस के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये मशीन चारों एक्सेस से इसको एक शेप देती है इसकी बॉडी की। इंटरेस्टिंग बात ये है, आज के इस दौर के अंदर बल्क में प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए बहुत सी कंपनियाँ जो है वो सिर्फ कास्टिंग मशीन्स के ज़रिए ये बॉडी तैयार करती हैं, लेकिन दाऊद एंड सन्स जो है वो एयरक्राफ्ट एलुमिनियम के ऊपर बकायदा मशीनिंग के प्रोसेस के ज़रिए जो है ये बॉडी तैयार करते हैं, जिससे इनकी प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि क्वालिटी पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। CNC मिलिंग सेक्शन के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं EDM वायर कटिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर लेटेस्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन्स के ज़रिए जो पिस्टल और शॉट गन्स हैं उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ड्राइंग पे आपको जो नज़र आ रहा है, यहां पर इस मशीन में पिस्टल का हैमर तैयार किया जा रहा है। इस तरह ट्रिगर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, और इस मशीन की खासियत ये है कि ये जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वायर के ज़रिए बड़ी बारीकी और नफासत के साथ एक पुर्जे को काटती है। जिस तरह कि मैंने शुरू में बात की और CNC मिलिंग सेक्शन में भी हमने देखा कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, सो इस तरह की वायर के ज़रिए जिस तरह ये पूरा मेटल जो है उसके अंदर रखते हैं, ये एलुमिनियम, और फिर उससे ये पुर्जे जो है इस मशीन के ज़रिए निकाल लिए जाते हैं। इस तरह के मुतअद्दिद पुर्जे जो हैं वो ये लोग निकालते हैं, और इससे क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं अंदर के वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हैं, और पिस्टल और शॉटगन जो है उसकी एफिशिएंसी शानदार रहती है, उसकी रिलायबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, आपको और भी इस तरह के मुख्तलिफ इनके सेक्शंस दिखाते हैं। पिस्टल्स और हैंड गन्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेपन है, और इस वक्त हम मौजूद है दाऊद सन्स के पिस्टल मेकिंग सेक्शन के अंदर, जहाँ पर इनका एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट DSA-9, उसके मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स एक ही जगह पर बनाए जा रहे हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं बैरल के ऊपर काम हो रहा है, फिर इसके अलावा छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स ना सिर्फ यहाँ ऑटोमेटिक मशीन पर बनाए जाते हैं बल्कि मैनुअल मशीन पर भी बनाए जाते हैं। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं ये पॉलीमर है जिसको आमतौर पर हम ड्रिप करते हैं, और ये इम्पोर्ट करते हैं बेस्ट क्वालिटी का। इसके साथ साथ ये स्लाइडर्स जो हैं ये यहाँ पे बनाए जा रहे हैं,
फिर ये बैरल है, ये तीन चार जो चीज़ें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर बैरल को इसके स्लाइडर में फिट कर दिया जाए और इसको इस पॉलीमर के साथ जो है वो लगा दिया जाए तो आपका गन, आपका वेपन जो है वो तैयार हो जाता है। लेकिन वेपन में सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती, अगर आपको कैमरे की आग दिखा सके तो बहुत छोटे छोटे से कॉम्पोनेंट्स, जैसा कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये ट्रिगर, जिसको प्रेस करते हैं तो फिर बुलेट बाहर आती है। इसके अलावा बाकी भी आपको कॉम्पोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, और एक बड़ा अहम कॉम्पोनेंट है जिसको उर्फ़ आम में घोड़ा कहते हैं, वैसे इसको हैमर कहा जाता है। लेकिन DSA-9 की खासियत यह है कि इसका हैमर जो है वो आपको बाहर नज़र नहीं आता, वो इंटरनली इसका हैमर होता है, और ये वन ऑफ द सेफेस्ट वेपन है विद एडिशनल सेफ्टी। दैट शोज के सेफ्टी का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है, आपका वेपन जो है वो रिलायबल होना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अ टॉय आफ्टर ऑल। तो ये तमाम तर कॉम्पोनेंट्स इसके इस सेक्शन में बनाए जा रहे हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं शॉट गन्स, क्योंकि हमें दो गन्स ज़रूर नज़र आती हैं, एक तो हैंड गन्स और दूसरी शॉट गन्स। कहीं भी हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो उसको एक शॉट गन चाहिए होती है। शॉट गन के बैरल और बाकी चीज़ें कैसे बनती वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। पिस्टल्स के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेपन शॉटगन होता है। शॉटगन आमतौर पे हमें अपने गार्ड्स के हाथ में नजर आती है, और इस वक्त हम मौजूद हैं दाऊद सन्स के शॉटगन के बैरल मेकिंग सेक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं बड़ी सी जो मशीन है इस पे बैरल बनाई जा रही है, और ये बैरल जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है किसी भी वेपन के अंदर, ख़ास तौर पर सेफ्टी के हिसाब से। अगर आपने किसी सर्टिफाइड जगह से गन परचेज नहीं की होती तो उसमें एक चांस ये होता है खुदा ना खास्ता बैरल कहीं उसका ब्रस्ट ना हो जाए, अगर बैरल ब्रस्ट होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो वेपन यूज़ कर रहा है उसको होगा। इसलिए यहाँ पर जो बैरल बनाया जाता है, इंटरेस्टिंगली मैं आपको दिखाता हूँ, लोहे का जो मेटल रॉड होता है उसमें बाकायदा तौर पर सुराख किया जाता है इस मशीन के ज़रिए, और फिर इस मेटल रॉड को जो है CNC मशीन्स के ज़रिए शेप दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि ये पाइप है, इस पाइप में सुराख किया गया, लेकिन पाइप नहीं, ये पूरा मेटल रॉड था, इसके अंदर सुराख किया गया, इसको एक पाइप की शेप दी गई, फिर CNC मशीन के ज़रिए इसको आहिस्ता आहिस्ता बैरल की शेप दी जाती है वेपन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि एक गन के बैरल की जो शक्ल इसकी बन गई है। तो ये बैरल जो है यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और फिर इनको असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है, बाकी सेक्शंस में भी मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स तैयार होते हैं। आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं कैसे। ये है दाऊद सन की वन ऑफ द मशीन शॉप, इस तरह की और भी मशीन शॉप्स हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर माहिर कारीगर जो है वो मैनुअल मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे जो है उन पर काम किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि शॉट गन की बैरल कैसे बनाई जा रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टीयर गैस की जो बैरल है उस पर काम कर रहे हैं, और टीयर गैस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं, वो भी दाऊद सन्स बना के देती है। और बहुत से वेपन्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, हम आपको उनके बारे में भी थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि पिस्टल और शॉटगन का पूरा मेकिंग प्रोसेस दिखाएं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के बाद इनकी पॉलिशिंग भी होती है, सैंडिंग का प्रोसेस होता है, फिर इन पर ख़ास किस्म का ब्लैक कलर का हम वेपन देखते हैं, एक पेंट होता है, ये तमाम तरह प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर माहिर कारीगर जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई वेपन तैयार करने में वो मौजूद हैं, और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इम्तिजाज है, लेटेस्ट मशीन्स भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो माहिर कारीगर हैं जो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आए हैं वो फिर इनको तैयार करते हैं। एक तो विजुअल क्वालिटी चेक होता है, वो चेक करते हैं कि क्या ये वेपन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है, ये क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए मतलब रिलायबल सेफ्टी प्रोडक्ट है ये वो बन रही है कि नहीं। और आप देख सकते हैं ये तमाम तर जो माहिर कारीगर हैं, आप इनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं वेपन्स तैयार करने में, ये इसको असेंबल कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहा है, और इवेंचुअली जो है, अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इनका काम करने का मैकेनिज्म दोनों तरीके से है, कभी असेंबली में कोई एक एक पार्ट को तैयार करके आगे भेजते हैं, और कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो अकेले जो हैं
पूरा का पूरा वेपन तैयार कर देते हैं। ये जो है ये एक पूरी शॉटगन तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार कर देते हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। मुख्तलिफ मिलिंग सेक्शंस और मशीन शॉप से जो पुर्जे आते हैं उनको सबसे पहले जो है सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसको शॉट ब्लास्ट भी कहते हैं क्योंकि सैंड की एक ख़ास किस्म है और उसको एक प्रेशर के साथ जो है इन पुर्जों के ऊपर से गुजारा जाता है। आप देख सकते हैं ये बिफोर सैंड ब्लास्टिंग एक पुर्जा है और इसमें इसमें शाइन आपको नज़र आ रही है, कुछ कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा साफ़ नहीं है। तो इस प्रोसेस के बाद होता क्या है कि एक तो ये शाइन ख़त्म हो जाती है, एक मैट लुक आ जाती है, स्मूथ हो जाता है, हर हिस्से की सफाई हो जाती है और इसके बाद फिर इसको जो है एंडोनाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, वो भी हम आगे आके आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कारीगर जो है वो सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस को बगौर देख रहा है, जो जो मटीरियल अंदर रखा हुआ है ये अपने हाथों से जो है उसकी सैंड ब्लास्टिंग या शॉर्ट ब्लास्टिंग जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। आगे जाके ना एंडोनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है, ब्लैक ऑक्साइड जो है वो इस पर अप्लाई की जाती है। आमतौर पर जो भी हम वेपन उठाते हैं वो काले रंग का होता है, ऐसा लगता है ये पाउडर कोट हुआ हुआ है, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस है, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये होता है। सो सैंड ब्लास्टिंग या फिर शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद जो दूसरा अहम मरहला होता है वो इसको इस तरह की काली रंगत देना होता है। लेकिन जिस तरह के एक पिस्टल या शॉटगन के अंदर मुख्तलिफ मेटल के कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह के एलुमिनियम है या फिर लोहा है, सो एलुमिनियम अगर होगा तो एलुमिनियम को सबसे पहले एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। इस तरह इनके पास जो है अभी ये शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद इंटरनल कॉम्पोनेंट आया, अब ये इसको एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। एक घंटे तक ये स्टब के अंदर रहेगा। एनोडाइजिंग के प्रोसेस से क्या होता है कि एलुमिनियम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये मजबूत हो जाता है और फिर एनोडाइजिंग के बाद जो है इसको शिफ्ट किया जाता है, काली रंगत दी जाती है, जिस तरह के ब्लैक ऑक्साइड इस पर अप्लाई किया जाता है। अब ये इसको जो है एनोडाइज कर रहे हैं और फिर एनोडाइजिंग के बाद जो एलुमिनियम का मेटल है उसको यहाँ पर एनोडाइजिंग डाई के अंदर डाला जाता है, एक काले रंग की रंगत दी जाती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि अब यही मेटल एनोडाइजिंग के बाद इस डाई से निकाला गया है और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है ब्लैक ऑक्साइड का। ब्लैक ऑक्साइड में फिर इसको ये काले रंग की रंगत दी जाती है। अगर एलुमिनियम का मेटल होगा तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरेगा और अगर लोहा होगा जिस तरह की ये स्लाइडर है तो ये सैंड ब्लास्टिंग के बाद डायरेक्ट ब्लैक ऑक्साइड से इसको गुजारा जाएगा। जिस तरह की एक और कॉम्पोनेंट है उसको ब्लैक ऑक्साइड से गुजारें, इससे जो है एक तो वेपन खूबसूरत लगता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रस्ट फ्री हो जाता है और फिर इसमें शाइन देने के लिए इसके ऊपर ऑयल भी अप्लाई किया जाता है और आखिर में इन तमाम तर कंपोनेंट्स को असेंबली के अंदर रख के असेंबल कर दिया जाता है। आइए अब आपको पिस्टल की असेंबली भी दिखाते हैं। शॉटगन तो हमने आपको असेंबल होते हुए दिखाया, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके हैंडगन या पिस्टल के असेंबली हॉल के अंदर एंड द प्रोसेस द सेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन छोटी छोटी बास्केट्स के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह के ट्रिगर हमने आपको बनते हुए दिखाया या फिर हैमर जिसको घोड़ा भी कहते हैं, जिससे बाकायदा तौर पर जो है वो बुलेट लोड होती है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो इनका चैम्बर होता है उसको ऑफ लोड करने के लिए जो बटन है, ये तमाम तरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स इनके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं और इनको मिलाकर जो है ये फिर पिस्टल जो है असेंबल करते हैं और असेंबल करने के साथ साथ जो है क्वालिटी चेक भी की जाती है। आप देख सकते हैं ये माहिर कारीगर हैं जिनके 20-20, 30-30 साल के तजर्बे हैं बाकायदा तौर पर इन गन्स को बनाने के, इनको चेक करने के। सो एक पिस्टल जो है जनरली ये 20 से 25 मिनट के अंदर असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको फायरिंग रेंज पे लेके जाते हैं, इसका क्वालिटी चेक होता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं हर गन का जो है ये बाकायदा तौर पे चेक करते हैं कि किस तरीके से वो उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो परफॉर्मेंस सही दे रही है। सो हमने आपको दिखाया शॉर्ट गन्स कैसे बन रही हैं, हैंड गन्स कैसे बन रही हैं, आगे इनकी फायरिंग रेंज में लेके चलते हैं और वहाँ पर हम ख़ुद भी टेस्ट करते हैं और बाद में फिर आपको डिस्प्ले सेक्शन दिखाएँगे जहाँ पर तमाम तर वेपन्स जो दाऊद सन्स आर्मरी प्राइवेट लिमिटेड में तैयार किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आइए है।